बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मेज़बान यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। तो मैं आज अपनी बहनों के लिए जिनको इन्फर्टिलिटी यानी बांझपन की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं तिब्बी रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अक्सर नौजवान शादीशुदा औरत के औलाद ना होने को बांझपन कहते हैं। सेहतमंद जोड़े को औलाद ना होना बदकिस्मती समझा जाता है। सबका द्वार से अब तक किसकी सारी जिम्मेदारी औरत पर डाली जाती है। ऐसी औरतों को नफरत से देखा जाता है। अब भी बहुत से ममालक में बहुत सिकों में इस औरत को कसूरवार ठहराती हैं जिनके औलाद ना हों और मर्द दूसरी शादी कर लेता है। मगर अफसोस, इस बेचारे का इसमें क्या कसूर? या तो कोई बीमारी होती है, या फिर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर ये हुक्म इलाही होता है। जो औलाद जैसी नेमत मयसर नहीं आ रही होती, तो इस के लिए मैं आपके साथ तिब्बी और रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप रूहानी इलाज समाध फरमा लें। रूहानी इलाज में आपने मुस्कुरा वाला आयात पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा कसर से पढ़नी है। रबी लतानी फ़र्दम वनता खलवारसिन रबी हबली मिनसवालहीन, ये अपन जितनी बार चाहें पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कसर से पढ़ें, दोनों मियावी भी पढ़ें और इसके अवल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि किसी भी अमल शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। इसलिए किसी भी अमल शुरू करने से पहले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो तिब्बी इलाज है वो भी नोट फरमा लें। तिब्बी इलाज ये जनाबी हकीम मोहम्मद अमीर अली ये मियांवाली के रहने वाले हैं। इनका ये लिखा हुआ और इनका बताया हुआ तजवीज़ किया हुआ ये तिब्बी इलाज है। इसमें आपने लौंग 4 अदद, कस्तूरी खालस, अफियोन असली, ज़ाफ़रान खालस और जोज़बा बांग के बीच हर एक एक माशा, शालिया गुजराती 30 अदद, कंद स्या 3 माशा, तमाम अद्वैत को साफ करके खूब बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लें और जंगली यानी छोटे चने के दाने के बराबर इसकी टैबलेट बना लें। और जब पीरियड आने से फ़र्क होने के बाद एक टैबलेट रोज़ाना खाए, कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह इसका ज़रूर ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहायत ही मुफीद और सैकड़ों मरतबा की तजर्बाशुदा ये मेडिसन है। आप भी ज़रूर, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आप में से किसी भी की को भी ये प्रॉब्लम है तो वह ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।